हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि MT8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी वॉच को MT8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है जो अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप नहीं करना है। नहीं तो फ्रेंड्स, जो हम सेटिंग करेंगे, एरर फिक्स करेंगे, वो आपको फ्रेंड्स नहीं मालूम पड़ेगा, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेटिंग में, और यहाँ जो बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है और सेम टू सेम आपको सेटिंग करना है। 100% जो आपकी कनेक्ट नहीं हो रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी वॉच भी कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको ऐप में जाना है, ऐप मैनेजमेंट में, और ऐप लिस्ट में जाना है। तो ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट में जाना है। इसके बाद आपको अपने सिस्टम ऐप में जाना है। तो यहाँ लोडिंग हो रहा है फ्रेंड्स हमारे ऐप की लिस्ट। अब आपको यहाँ पे दिखे ऊपर टू डॉट्स दिख रहा है सिस्टम ऐप, यहाँ से आप चले जाना जहाँ सारे सिस्टम के एप्लीकेशन होते हैं, शो सिस्टम करना है और आपको चले जाना है। तो गाइज, अब आपको फ्रेंड सिस्टम ऐप में आने के बाद सिस्टम ऐप में चले जाना है। सिस्टम ऐप में आने के बाद आपको यहाँ बी के लिस्ट में जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो भी ब्लूटूथ है और उसके रिलेटेड नेटवर्क के रिलेटेड ऐप है, उसमें एरर आने को जैसे प्रॉब्लम होता है, हमारी वॉच कनेक्ट नहीं हो पाती MT8 अल्ट्रा, तो इस वजह से फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको सबको फिक्स करना है। तो ब्लूटूथ का डाटा क्लियर कर लेना है आपको, और उसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना, ई के लिस्ट में आना है। यहाँ आपको इंजीनियर नेटवर्क दिखेगा, इसका भी स्टोरेज यूसेज आपको क्लियर ऐप डाटा करके क्लियर कर देना है। अब आपको बैक जाना है इंजीनियर नेटवर्क का डाटा क्लियर करने के बाद। अब आपको अपने स्मार्ट वॉच के ऐप में चले जाना है। तो आपको एम की लिस्ट में मिल जाएगा माई टू फिट, यहाँ इसका स्टोरेज यूसेज पे जाना है, इसका क्लियर ऐप डाटा कर लेना है। और अब आपको बैटरी यूसेज पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए बैटरी यूसेज लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ हमें कुछ परमिशन अलाउ करना है। अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, हमारा ऐप है जो बैकग्राउंड में रन कर सके और ये डिसकनेक्ट नहीं होए। अलाउ ऑटो लंच भी कर लेना है फ्रेंड्स। कनेक्टिविटी में जो भी इशू आएगा आपको यहाँ से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बार बार जो डिसकनेक्ट होता है फ्रेंड्स वो नहीं होगा, बैकग्राउंड में रन नहीं करता, इस वजह से हमारा वॉच को फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन या कोई भी डाटा सेंड नहीं कर पाता, इस वजह से आपके वॉच में प्रॉब्लम आता है। कोई फ्रेंड्स शो नहीं करता है, कॉल नोटिफिकेशन कुछ भी, तो आपको देख लेना है फ्रेंड्स, ये परमिशन आपको अलाउ ज़रूर कर देना है। और ये सारी परमिशन भी आपको अलाउ कर देना है, लोकेशन, स्टोरेज, कॉल, कैमरा, जो भी आपको फ्रेंड्स ये मांगते सारी परमिशन आपको दे देनी है। अब आपको एन की लिस्ट में जाना है। यहाँ देखिए नेटवर्क हेल्थ सर्विस दिख रहा है, इसका भी स्टोरेज यूसेज पे जाना है, क्लियर कैच कर लेना, बैक आना है आपको। अब स्क्रॉल अप करना है, यहाँ नीचे डब्ल्यू की लिस्ट में आना है। यहाँ हमें वायरलेस सेटिंग करके ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके इसका भी क्लियर डाटा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे ब्लूटूथ के रिलेटेड ऐप थे, नेटवर्क के, सारा हमने डाटा क्लियर कर लिया है, और जो कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा था वो आपका अब थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। अब आपको एक और सेटिंग करना है फ्रेंड्स ब्लूटूथ की। अब आपको बैक जाना है, हाँ ऐप मैनेजमेंट में देखिए स्पेशल ऐप एसेस में, नोटिफिकेशन एसेस में जाना है। तो आपके फ़ोन में देख लेना नोटिफिकेशन एसेस आपको कहाँ है सेटिंग, तो आपको उसमें चले जाना, सर्च करके भी जा सकते हो। यहाँ आपको अपनी माइथू फिट के ऐप को परमिशन अलाउ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एसेस परमिशन है, इससे कि आपके कॉल मैसेज की जो नोटिफिकेशन है आपके वॉच पे आपको मिलते रहेगी। अब आपको बैक जाना है फ्रेंड्स। तो सारी सेटिंग आपको करना है, जो भी बता रहा हूँ आपको 100% जो आपकी नॉट कनेक्टिंग का इश्यू था वो सॉल्व हो जाएगा। ऑटो लंच भी आपको इन अलाउ कर देना है, तो आपको माइथू फिट ऐप देख लेना कहाँ है, उसको ऑटो लंच को भी अलाउ कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको बैटरी यूसेज में बहुत लोगों का ये सेटिंग आपको नहीं मिलती ऑप्शन, तो आप ऐसा अलग से भी ऑटो लंच ऐप को सेटिंग में जाके कर सकते हो अलाउ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबका सेम सेटिंग नहीं होती। अगर आपका बैटरी यूसेज में से फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं है तो अलग से आप ऐसा कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो यहाँ देखिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग दिख रहा है, ब्लूटूथ का आपको नेटवर्क रीसेट करना है। तो यहाँ रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, तो हमारा ब्लूटूथ की जो भी फ्रेंड्स सेटिंग होगी वो रीसेट हो जाएगी। तो इस पर आपको क्लिक करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे, और यहाँ लॉक मांगता है, आपको अपना लॉक दे देना है। उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे एक और बार आपको क्लिक करना है,
अब हमारा यहाँ रीसेटिंग हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपका रीसेटिंग स्टार्ट हो चुका है, नेटवर्क रीसेट कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपकी वॉच को भी एक बार रीसेट कर लेना है और आपको अपना जो फ़ोन है उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, मैथूफिट ऐप ओपन करना है और आपको सब एग्री करना है, जो भी वो एग्रीमेंट एग्री कराते उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। और फ्रेंड्स देख लेना आपका फ्रेंड्स अपडेट है कि नहीं फ़ोन में, ऐप को अपडेट करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ आपको ऐप भी अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है 100%। आपका जो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, नहीं कनेक्ट हो रही थी आपकी वॉच, फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी और जैसा सेटिंग बताया वो आपको करना है। तो आपके इसमें अगर अलग फ़ोन यूज़ करते हैं ओप्पो वीवो ये सब, तो फ्रेंड्स सब में सेटिंग का नेम अलग हो सकता है, जो ऐप होते सिस्टम ऐप में नेटवर्क के नेम अलग हो सकता है, पर सब सेम रहेगा। नेटवर्क लिखा होगा, जितना भी नेटवर्क लिखा होगा सबको आपको रीसेट कर देना ऐप को, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कनेक्ट करना है आपकी वॉच को भी रीसेट कर लेना, जो भी सेटिंग बताओ उसको फॉलो करना है और आपको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, कनेक्ट करोगे सब ये देखिए पॉलिसी वॉलिसी एग्री कर लेना और अब आपको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।